सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, आज के इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं कि म्यूजिक चैनल किस कैटेगरी पे आता है। यदि आप म्यूजिक एल्बम बनाते हैं और अपने चैनल पे अपलोड करते हैं तो ऐसा चैनल किस कैटेगरी पे आएगा, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। क्योंकि यदि आप एक कैटेगरी पे काम करेंगे तो आपका चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो होगा और आपकी वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। यानी कि आपको एक कैटेगरी पर काम करना है, यदि आप एक कैटेगरी पर काम करेंगे तो आपकी वीडियो सही ऑडियंस तक पहुँचेगी, जिसकी वजह से आपका चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो हो जाएगा। तो म्यूजिक चैनल किस कैटेगरी पर आता है, इसकी पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। तो म्यूजिक चैनल की कैटेगरी को समझने के लिए केवल आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर आपको अंत तक देखना है। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि YouTube से संबंधित मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं। तो चलिए बिना देरी की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पे बात करने वाला था कि म्यूजिक चैनल किस कैटेगरी पे आता है, इसकी पूरी जानकारी के लिए मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। तो आप यहाँ से जाना, बैक देख लीजिए, मैं बैक आ चुका हूँ। बैक आने के बाद आपको अपना बायटी स्टूडियो ऐप यहाँ से ओपन कर लेना। देख लीजिए, मैंने अपना बायटी स्टूडियो ऐप यहाँ से ओपन कर लिया, आपको भी अपना बायटी स्टूडियो ऐप को ओपन कर लेना। इसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा, नीचे साइड आपको दिखाई देगा सेकंड नंबर में कॉन्टेंट का ऑप्शन, आपको कॉन्टेंट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना। मैं क्लिक कर लेता हूँ, देख लीजिए मैं कॉन्टेंट के ऑप्शन पर क्लिक कर लिया। इसके बाद आप यहाँ पर किसी एक वीडियो पर क्लिक कर लेना, मैं क्लिक कर लेता हूँ, आपको किसी एक वीडियो पर यहाँ पर क्लिक कर लेना। देख लीजिए मैं किसी एक वीडियो पे क्लिक कर लिया। इसके बाद आपको ऊपर साइड दिखाई देगा पेंसिल का ऑप्शन, आपको पेंसिल के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना। इसमें क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट कर लेना। वेट करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा, नीचे साइड आपको दिखाई देगा मोर ऑप्शन, मोर ऑप्शन पे आपको दिखाई देगा टैग कैटेगरी कमेंट्स एंड मोर, आपको टैग कैटेगरी कमेंट्स एंड मोर में क्लिक कर लेना। देख लीजिए मैं क्लिक कर लिया। इसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा टैग, आप देख लीजिए ये पूरी वीडियो का आपको टैग दिखाई दे रहा है, मैंने यहाँ पे टैग लगा के रखा है। इसके बाद यदि आपको टैग नहीं पता आपको टैग कैसे लगाना, तो मैंने वीडियो बना के रखा, उस वीडियो का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लीजिएगा कि आप वीडियो पर टैग कैसे लगाएंगे, यानी कि यूट्यूब वीडियो पर आप टैग कैसे लगाएंगे। इसकी पूरी जानकारी मैंने आप पहले ऑलरेडी दे दिया है एक वीडियो पर, उस वीडियो का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लीजिएगा। इसके बाद आपको ऊपर से स्क्रॉल कर लेना, मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ, देख लीजिए मैं स्क्रॉल कर लिया और यहाँ पर आपको दिखाई देगा कैटेगरी, आप देख लीजिए आपको सेकंड नंबर में आपको दिखाई देगा कैटेगरी, और कैटेगरी जिस नीचे लिखा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी मेरी कैटेगरी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसी प्रकार से आपको अपने म्यूजिक चैनल के लिए कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, यानी कि म्यूजिक चैनल के लिए कौन सी कैटेगरी बेस्ट होगी, यानी कि म्यूजिक चैनल के लिए आपको कौन सी कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो आप किसी कैटेगरी पर क्लिक कर लेना। देख लीजिए मैं कैटेगरी पर क्लिक कर लिया, जैसे मैं कैटेगरी पर क्लिक कर लिया आपके सामने यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरी यहाँ पे ओपन हो चुकी हैं। तो आपको यहाँ पे कौन सी कैटेगरी को सिलेक्ट करना मैं आपको बताता हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, म्यूजिक चैनल के लिए आपको यहाँ पे म्यूजिक कैटेगरी को यहाँ पे सिलेक्ट करना, आपको यहाँ पे दिखाई देगा म्यूजिक, आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे दिखाई देगा म्यूजिक। तो आपको म्यूजिक चैनल के लिए आपको यहाँ पे केवल म्यूजिक कैटेगरी को ही सिलेक्ट करना है। यदि आप यहाँ पे म्यूजिक कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेंगे ना, तो आपकी वीडियो सही ऑडियंस तक पहुंचेगी, जिसकी वजह से आपका चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे म्यूजिक कैटेगरी को ही सिलेक्ट कर लेना, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, देख लीजिए मैं यहाँ पे म्यूजिक कैटेगरी को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे कैटेगरी नीचे दिखाई देगा आपको म्यूजिक, आपको इसके बाद आपको आना बैक, देख लीजिए मैं बैक आ चुका हूँ। बैक आने के बाद आपको ऊपर साइड दिखाई देगा सेव का ऑप्शन, आपको यहाँ से कर देना सेव। जैसे आप सेव कर देंगे ना, आपकी कैटेगरी हो जाएगी सेव, यानी कि म्यूजिक चैनल के लिए आपको म्यूजिक कैटेगरी को यहाँ पे सेव कर लेना है। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गई होगी कि आपको कैटेगरी कौन सी सिलेक्ट करना है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। यदि आपको वीडियो में कुछ पूछना तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई जरूर करूंगा। तो जब तक के लिए थैंक्स से बात, तो चलिए फिर से अगले वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।